हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। लेकिन आज हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं वो क्या होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है तो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनमें से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस है उसका क्या मीनिंग होता है। जनरली हम जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ए होल। होल जो एक नंबर है उसका जो पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, कितना पार्ट होगा। जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये वन है मेरा, एक सर्कल जैसे आप देख रहे हो, ये होल है, कंप्लीट पार्ट है। तो अगर इस कंप्लीट पार्ट को अगर मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो ये जो ईच पार्ट आप देख रहे हैं, ईच पार्ट, इस पार्ट को भी मैं क्या कहूँगा, हाफ। और ये जो सेकेंड पार्ट है इसको भी मैं क्या कहूँगा, हाफ। यानी ये जो वन था मेरे पास, वन पार्ट, होल पार्ट था, कंप्लीट पार्ट, उसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये भी वन बाई टू कहलाएगा, ये भी वन बाई टू कहलाएगा। और अगर मैं अगेन इस पार्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है इसको मैं क्या कहूंगा, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, और ये मेरा क्या था, हाफ, और टोटल मेरा क्या था, वन। तो होल जो है, कंप्लीट जो है, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में, फ्रैक्शंस इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट एज ए होल, कि उसको हम होल को, कंप्लीट को कितने पार्ट में कैसे क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हाफ पार्ट कहलाएगा, ये वन बाई फोर्थ कहलाएगा। और अगर मैं मान लो इस पार्ट की बात करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ से यहाँ तक हाफ ये था, वन बाई फोर ये है, तो इस टोटल जो शेडिड पार्ट आप देख रहे हो, ये जो शेडिड पार्ट आप देख रहे हो, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, थ्री बाई फोर। क्योंकि अगर यहां से ये लाइन होती तो वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, तो वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, टोटल ये पार्ट कितना हो जाता, थ्री बाई फोर। तो जो होल को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। होल जो कंप्लीट है हमारा, उसको हम कैसे पार्ट्स में, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसका क्या फ्रैक्शंस ले रहे हैं, तो वो वाली जो बात है। इफ ए होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इंटू बी इक्वल पार्ट्स, जैसे ये मेरे पास वन थी क्वांटिटी, इस वन क्वांटिटी को मैंने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन क्वांटिटी थी वन और उसको मैंने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वन बाई फोर हो गया, वो ईच पार्ट क्या हो गया, वन बाई फोर। इसी वे में कह रहे हैं कि अगर हम होल क्वांटिटी है उसको हम बी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें एंड वी कंसिडर ए पार्ट आउट ऑफ द होल बी इक्वल पार्ट, उन बी पार्ट में से ए पार्ट हम ले लें। जैसे ये था मेरे पास, इसको मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया तो b की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, फोर। b इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर। मैंने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो b की वैल्यू हो गई फोर, और मैं कितने पार्ट ले रहा हूँ इसमें से, थ्री पार्ट्स ले रहा हूँ, वन टू और थ्री, थ्री पार्ट्स ले रहा हूँ। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू मैंने क्या कह दिया, थ्री। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो गया, a बाई बी, फ्रैक्शन क्या हो गया, a बाई बी, यानी थ्री बाई फोर। यानी जो कंप्लीट पार्ट है, होल जो पार्ट है, उसको मैंने b इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उनमें से अगर मैं a पार्ट्स लेता हूँ, b पार्ट्स में से a पार्ट लेता हूँ, तो वो जो फ्रैक्शन होगा उस फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a बाई b से, a बाई b से। यानी कहने का मतलब ये कि ये मेरा पार्ट है, इसको मैं एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, टू पार्ट्स, फोर पार्ट्स, और बीच में से अगर ये लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने, तो इसको मैंने ये सपोज कर लो कि एट इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब मैंने b इज इक्वल टू क्या कहा, एट, b इज इक्वल टू एट, यानी मैंने इसको एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अगर इसमें से मैं इसके थ्री पार्ट्स ले लेता हूँ, सपोज ये थ्री पार्ट्स ले लेता हूँ मैं, वन टू थ्री, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, यानी मैंने इसमें वन पार्ट, टू पार्ट और थ्री पार्ट, टोटल एट इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से मैंने थ्री पार्ट्स ले लिए, तो ये जो थ्री पार्ट्स हैं इसमें, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री। और ये जो मैं इसको एज ए फ्रैक्शन अगर लिखना चाहूंगा, इसको मैं अगर एज ए फ्रैक्शन लिखना चाहूंगा तो इस
पार्ट को मैं क्या लिखूंगा, 3/8, इसको मैं क्या लिखूंगा 3/8, मतलब जो होल पार्ट है, कंप्लीट पार्ट है, अगर मैंने उसको बी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कंप्लीट को मैंने बी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से मैं थ्री पोर्शंस, थ्री पार्ट्स ले रहा हूं, तो उस फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3/8 या ए बाई बी। अगर बी इक्वल पार्ट्स हैं और उन बी में से मैंने ए पार्ट्स ले लिए, बी इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया और उसमें से मैंने ए जो पार्ट्स हैं वो ले लिए, तो उसको हम एज ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम एज ए फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए बाई बी। तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ए बाई बी। तो ए फ्रैक्शन इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म, क्या कह रहे हैं, दस ए फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी जो है वो क्या होंगे, होल नंबर्स। ए और बी क्या होंगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जो नंबर सिस्टम का हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने होल नंबर्स डिफाइन किए थे, तो ए और बी होल नंबर्स हैं, लेकिन साथ में हम क्या कह रहे हैं, बी जो है होल नंबर तो है लेकिन जीरो नहीं होगा, बी जो है वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ए जो है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर। ए को हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, अंश। हिंदी में अगर कहना चाहें तो वैसे हिंदी की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इसको हम क्या लिखते हैं, अंश। और जो बी डिनोमिनेटर, बी को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या लिखते हैं, हर। लेकिन इन पे जाने की जरूरत नहीं है, जनरली हम क्या याद रखेंगे, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। ए को हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, और बी को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जैसे ये है 1/2, 3/4, 5/3, 13/7, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शंस। ये हमारे क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शंस विद न्यूमिरेटर 1, 3, 5, 13 एंड डिनोमिनेटर 1, 3, 5, 13, ये तो क्या है, न्यूमिरेटर, और 2, 4, 3, 7 ये क्या है, डिनोमिनेटर। और इसमें एक बात और है, जैसे ये मान लो 13/7 लिखा है या 5/3 लिखा है, तो जैसे मैंने यहाँ जो पार्ट है, अगर मैं 5/3 की बात करता हूँ, 5/3, तो 5/3 का जो मीनिंग है वो क्या है कि ये जैसे मेरा एज ए वन है, तो मैं डिनोमिनेटर वाली बात क्या कहता हूँ कि इसको मैं थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो थ्री इक्वल पार्ट्स में अगर मान लो मैंने डिवाइड किया तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया, तो इसको मैंने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूमिरेटर में मेरे पास क्या है, 5, तो इसमें 5 पोर्शंस कैसे लूं मैं, इसमें 5 पोर्शंस नहीं ले सकता। लेकिन अगर सेम सर्कल मैं ड्रॉ कर दूं, ये एक सेम सर्कल और इस ये थ्री पार्ट्स यहाँ थे, अब मेरे पास 6 पार्ट्स हो गए, तो 3 तो ये ले लिए मैंने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 5/3, 5/3 कैसे आएगा, 5/3 का क्या मीनिंग होगा, भाई 3 पार्ट्स तो ये हो गए मेरे पास और 2 पार्ट्स ये ले लूं, तो 3 और 2 क्या हो गया, 5, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5/3, यानी जो 5/3 है, क्योंकि यहां जो अभी हम बात कर रहे थे इसमें क्या लग रहा था कि b इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो a पार्ट उससे कम ले रहे हैं, कम में अगर ज्यादा है, यहाँ न्यूमिरेटर में ज्यादा है तो दूसरा सेम पार्ट होल पार्ट और ले लो, 2 से ज्यादा है तो तीसरा होल पार्ट और ले लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इनको हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, और इनको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और जो a अपॉन बी है, a अपॉन बी, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। a अपॉन बी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है, वेरी इजी, बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारा। अब जो हम टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, उनको आप ध्यान रख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हमने डिफरेंट नेम्स दे दिए कि भाई अगर इस टाइप का फ्रैक्शन है तो इसको ये कहेंगे, इसको वो कहेंगे, तो उस वे में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहेंगे, जब न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, जैसे ए अपॉन बी हम कहते हैं, तो अगर ए लेस देन बी है, ए छोटा है बी से, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं 3/5 कह देता हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या है, 3, और b इज इक्वल टू क्या है, 5, और हमें पता है 3 जो है वो 5 से छोटा होता है,
तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3, 3/5, 4/9, न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कह रहे थे, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कह देते हैं कि अगर a अपॉन b एक फ्रैक्शन है और न्यूमिरेटर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर हो। पहले वाले में लेस देन कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। यानी अगर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर है या इक्वल है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कह देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर होता है। 7/14, 4, 7/4, 7/4 में 7 जो है वो 4 से ग्रेटर होता है। 12/12 इक्वल है, लेकिन ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, अब मिक्स्ड की। मिक्स कर दें किसको, होल नंबर्स जो होते हैं हमारे, इंटीजर्स जैसे वाला पार्ट आता है, होल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको मिक्स कर दें, कंबाइंड कर दें, तो वो जो पार्ट होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 and 3/5 है, 1 and 3/5 है, इसका मतलब क्या है, 1 plus 3/5, 1 and 3/5 अगर हम लिखते हैं इसका मतलब क्या था, 1 plus 3/5, तो 1 जो है 1 ये तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। 1 तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और 3/5 जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 and 4/7, 12 and 2/13, 12 and 2/13, इसका मतलब क्या है, 12 plus 2/13। तो ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस में हम क्या कहते हैं, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। तो वो जो फ्रैक्शंस होंगे 10,000, 10 लाख, तो वो जो फ्रैक्शंस होंगे उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे 3/10 है, 3/10 है, 3/10 है, वैसे आगे जब हम डेसिमल की बात करेंगे आगे, अभी हमारा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, लेकिन आज हम केवल फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा डेसिमल का तब बात करेंगे, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो जो 3/10 होता ना, इसका मतलब होता है 0.3। 3/10 को डायरेक्ट 0.3 लिख सकते हो। 51/100 है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.51 लिख सकते हो। इसी वे में 79/1000 है, 30 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, तो 972 है, तो एक जीरो यूज करके पॉइंट, 0.0079। तो ये जो है, ये हमारे जो फ्रैक्शंस हैं डेसिमल वाले हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जिनके डिनोमिनेटर में मल्टन 100, 1000, 10,000, 10 लाख अगर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। वैसे तो 2/5 होता है, 2/5 को भी मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस उनको कहेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आ जाता है, तो वो जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का क्या मतलब होगा, जिनके डिनोमिनेटर में अदर देन 10, 100, 1000 आ जाता है। मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इनके अलावा जो फ्रैक्शंस हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, वल्गर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और रिमेनिंग जो होंगे
वो हमारे क्या कहलाएंगे, वल्गर फ्रैक्शन, मतलब जिनके डिनोमिनेटर में अदर देन 10, 100, 1000 आता है, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में कोई भी नेचुरल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एंड सो ऑन आता है, तो वो सारे फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे, वल्गर फ्रैक्शंस, आर ऑल वल्गर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बड़ा अच्छा है हमारा ये रिजल्ट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसको कहेंगे, यानी वैसे क्या मीनिंग है कि वो फ्रैक्शंस देखने में तो अलग अलग नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम हो, मतलब दो फ्रैक्शंस देखने में लगेगा या अलग अलग लगेगी लेकिन वो होंगे सेम, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल, सेम पार्ट ऑफ ए होल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो फ्रैक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक है 1/2 है, 1/2, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 × 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 2/4, या मैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये क्या हो जाएगा 3/6। तो ये जो आप देख रहे हो 1/2 या 2/4 या 3/6 देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन सबका मीनिंग सेम है, सबका मीनिंग सेम है, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यही कह रहे हैं, फ्रैक्शन ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो फ्रैक्शंस होंगे वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे ये देख रहे हो 1/2, 2/4, 3/6, भाई 2 से कैंसिल करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो सेम है सारे के सारे, लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ये सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन इन सबका मीनिंग सेम है, चाहे 1/2 का हो, चाहे 2/4 का हो, चाहे 3/6 का हो, सबका मीनिंग सेम है, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब वो फ्रैक्शंस डिस्क्राइब वन हाफ, जितने भी हैं वो हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन 1/2। रिमार्क में क्या कह रहे हैं, ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि मुझे दो फ्रैक्शंस गिवन है, जैसे मान लो मेरे पास एक था 1/2 और एक था 4/8। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो या तो मुझे पता हो कि हाँ भाई ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, या मैं क्या करूं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, कैसे, ये 1 है और ये 8 है, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करूं, 1 और 8 को 1 × 8 आ जाएगा, 2 × 4 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और 4 भी क्या होगा 8, और 8 8 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये दोनों फ्रैक्शंस क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब ये है, एक फ्रैक्शन है मेरे पास a अपॉन b और एक फ्रैक्शन है मेरे पास c अपॉन d, अगर मैं a इंटू डी फाइंड आउट करूं, a इंटू डी और b इंटू सी फाइंड आउट करूं, bc क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी फाइंड आउट करूं और bc फाइंड आउट करूं, अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ जाता है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, अदरवाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो रिमार्क में ये कह रहे हैं, इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी वेरीफाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स इक्वल है तो जो गिवन फ्रैक्शंस होंगे वो फ्रैक्शंस क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, वेरी इजी है कि अगर जो डिनोमिनेटर है 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस या 10 फ्रैक्शंस गिवन है, उन सबके अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर की बात नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। सिंपल,
फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 2/17, 7/17, 11/17, डिनोमिनेटर सब में 17, न्यूमिरेटर में क्या है 2, 7 और 11। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। इनको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। ये क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे 2/11, 7/29, 9/115, ये तीनों के इतने डिफरेंट है। तो इसका मतलब इन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। इनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है, अच्छा रिजल्ट है, फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शन गिवन है उनको हम लोवेस्ट फॉर्म में कहें या कन्वर्ट करें, या हम लोवेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, इररिड्यूसिबल फॉर्म भी बोल देते हैं। यानी उस फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे मान लो मेरे पास अगर कहीं है 9/12 है, 9/12 है, तो जिस नंबर से अगर ये कट होते हो उससे हम कट करते हैं। अभी रूल भी बताएंगे कैसे करना है, लेकिन अभी मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ। तो देखने में लग रहा है भाई 9 जो है वो 3 से कट जाता है, 12 भी 3 से कट जाता है, तो इसको 3 से कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या ये अगेन कट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब 9/12 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, 9/12 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोवेस्ट फॉर्म है, वो क्या कहलाएगी, 3/4। यानी जो गिवन है इनमें जो कॉमन आता है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर वो कॉमन 1 रह जाता है, दोनों का न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर अगर अदर देन 1 है, तो जो भी कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कहेंगे, उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो ऐसा नंबर आता है जिसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या इरिड्यूसिबल फॉर्म कह देते हैं। इफ द न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, या दैट इज एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1, तो वो स्मॉलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। देन इट इज सेड टू बी लोवेस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, उसको हम कह सकते हैं। या आगे क्या कह रहे हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो कि उसका जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होगा दोनों को उन न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है उससे उसको डिवाइड कर दो, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को लोवेस्ट टर्म। इफ वी डिवाइड इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे ये 9 और 12 थे, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करता 9 और 12 का एचसीएफ सबको फाइंड आउट करना आता है, और वो क्या होता है, 3। 9 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 3। तो दोनों न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये जो फॉर्म आएगी, ये फॉर्म क्या आ जाएगी, लोवेस्ट फॉर्म। जैसे रिड्यूस द फ्रैक्शन 391/667, 391/667 इसको आपने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लो, या क्या कहो कि 391 को क्या लिख सकते हो, 17 × 23। 391 को क्या लिख सकते हो, 17 × 23। 667 है, इसको भी क्या लिख सकते हो, 29 × 23। तो दोनों में कॉमन क्या है, 23। तो इसका मतलब 391 और 667 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 23। तो इसमें जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों को 23 से डिवाइड कर दो। तो ये था 391/23, 667/23। जब मुझे ये पता है 17 × 23 है, तो इसको मैं 23 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या जाएगा, 17। 667 क्या होता है, 29 × 23। तो 29 × 23 को 23 से डिवाइड करोगे तो 23 कैंसिल हो जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये जो है 17/29, ये इसकी क्या कहलाएगी,
लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहे ऐसे फाइंड आउट करें या आपको लॉन्ग डिवीजन से पता है 391 से 667 को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा 391, सब्ट्रैक्ट करेंगे 616 में से 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, फिर 276 है, जीरो नहीं आया, जब तक करते जाएंगे कंटिन्यू जब तक जीरो नहीं आए, लेकिन क्या करेंगे अब इसको डिवाइजर बना देंगे, जो पहले वाला डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे 391। ये हम कर चुके हैं पहले, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वहां भी आप देख सकते हो, तो 261 बन जाए 276, फिर 11 में से 6 माइनस करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 9 में से 1 8, 8 में से 7 1, 3 में से 2 1, 115, और फिर अगेन 276 को 115 से करेंगे और ये फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 से क्या होगा 230, और 230 होगा तो क्या बन जाएगा 46, और 46 115, 46 करेंगे 15 को 2 से करेंगे, 46 इंटू 2 92 हो जाएगा, 23 आ जाएगा, फिर अगेन 23 को 46 को 23 से डिवाइड करेंगे 2 जा 46, जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर ये हमारा क्या हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं या उसको फैक्टराइज करके भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आप फाइंड आउट करना चाहें, और जैसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे और वो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आ जाता है लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस का क्या मतलब था, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मान लो ये है मेरे पास 2/3, 5/4, 7/6, 3/4, 6 अनलाइक फ्रैक्शंस है, ये मेरे क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने किसमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में, यानी मैं इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना चाहता हूं इस वे में कि इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3, 4 और 6 हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, और इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना आता है, पहले एक वीडियो देख लेंगे अगर किसी को डाउट हो तो 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम इन सब में ये चाहेंगे कि सबके जो डिनोमिनेटर है वो 12 में कन्वर्ट हो जाए, ये 3 है 12 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 2 × 4 = 8 अपॉन 3 × 4 = 12, यानी ये मेरा क्या आ जाएगा 8/12। इसी वे में ये 4 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 12 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15/12। इसी वे में ये 7/6 है, ये 12 कैसे हो सकता है जब मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 14/12। आप देख रहे हो तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम में कन्वर्ट हो गए और इसका मतलब अब ये क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। मतलब जो अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन थे, जो अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन थे उनको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया लाइक फ्रैक्शंस में। तो यही कह रहे हैं टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस वी प्रोसीड एज फॉलोज। क्या करना होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो ये डिनोमिनेटर्स थे, ये जो डिनोमिनेटर्स थे हमने इनका क्या किया, जो गिवन नंबर फ्रैक्शंस थे उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट किया। कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, गिवन फ्रैक्शंस को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए क्या किया, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया था उसमें कन्वर्ट हो जाए, 3 जो है वो 12 में कन्वर्ट हो जाए, 4 से कर दिया, 4 जो है वो 12 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो फ्रैक्शंस होंगे ये क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब जो फ्रैक्शंस गिवन है, जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर है,
तो उसके लिए हमारे पास थ्री मेथड्स बनते हैं। जिस भी मेथड से हमें अच्छा लगे उस मेथड से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो द फ्रैक्शन मे बी कंपेयर्ड इन द फॉलोइंग वे। जो फर्स्ट है, फर्स्ट अभी आपको बताया है लास्ट स्लाइड में कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उन अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं चेंज द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी डिनोमिनेटर सेम कर दिया। और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप उनके न्यूमिरेटर को देखो, जिसका न्यूमिरेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्या कह रहे हैं, चेंज द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड कंपेयर देयर न्यूमिरेटर्स। द फ्रैक्शंस विद ग्रेटर न्यूमिरेटर इज ग्रेटर। जैसे यही था हमारा, ये था 2/3, एक था 2/3, 5/4 और 7/6। हमने इन सबके डिनोमिनेटर सेम में कन्वर्ट कर दिए, इन सबके डिनोमिनेटर सेम में कन्वर्ट कर दिए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिए। हमें ये देखना था कि इन तीनों में से ग्रेटर कौन सा है, लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है। तो क्या किया, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम किए आप ये देखो कि न्यूमिरेटर किसका बड़ा है, 8, 15 और 14। 8, 15 और 14 में से कौन सा बड़ा है, 15, 15 बड़ा है। तो 15 बड़ा है तो ये जो 5/4 है ये फ्रैक्शन मेरे पास क्या होगा, लार्जेस्ट। जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, लार्जेस्ट। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, 8, 15 और 14, 8, 15 और 14 में से 8 स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। मतलब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, फिर जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या कहा था, हमने न्यूमिरेटर को सेम करने की कह दी, सेकंड फ्रैक्शन में क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर, न्यूमिरेटर को सेम कर दो। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर को सेम किया था, सेकंड वाले मेथड में क्या कह रहे हैं, न्यूमिरेटर को सेम कर दो। चेंज द फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमिरेटर, सेम न्यूमिरेटर में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसके बाद कंपेयर देयर डिनोमिनेटर्स, उनके डिनोमिनेटर को कंपेयर करो। इसमें उल्टा हो जाएगा, जो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो नंबर क्या, फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 3/5, 4/7 ले लो, 4/7, मैं चाहता हूं कि दोनों का न्यूमिरेटर सेम हो जाए, न्यूमिरेटर सेम हो जाए, तो ये 3 है और ये 4 है, मैं क्या करूं, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 12/20, ये क्या हो जाएगा 12/21। न्यूमिरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर ये 21 है, ये लार्ज है, लार्ज है, ये लार्ज है, डिनोमिनेटर लार्ज है, तो जो ये फ्रैक्शन होगा ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, स्मॉल, छोटा होगा ये फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है, पहले वाले केस में क्या था, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिरेटर चेक करते हुए न्यूमिरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन अगर हमने न्यूमिरेटर सेम कर दिए, अगर हमने सेकंड मेथड में न्यूमिरेटर सेम कर दिए, तो आप डिनोमिनेटर में चेक करोगे और रिवर्स हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड जो है वो है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कह रहे थे, द फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल न्यूमिरेटर एंड अनइक्वल डिनोमिनेटर। भाई अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो वैसे देख लो जो फर्स्ट और सेकंड मेथड, लेकिन अगर नहीं है तो हम चाहें तो उसको कंपेयर कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दो फ्रैक्शन है, एक है ए अपॉन बी, एक है सी अपॉन डी, आप क्या फाइंड आउट करो, ए डी और बी सी, आप क्या फाइंड आउट करो, ए डी और बी सी, ए इंटू डी फाइंड आउट करो, बी इंटू सी फाइंड आउट करो। तो ये जो ए डी और बी सी की वैल्यू आएगी इनको आप चेक कर सकते हो, अगर ए डी ग्रेटर देन आता है बी सी से, ए डी अगर बी सी से ग्रेटर आता है तो जो पहले वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, ए अपॉन बी बड़ा हो जाएगा सी अपॉन डी से। अगर ए डी और बी सी की वैल्यू इक्वल आती है, ए डी और बी सी की वैल्यू इक्वल आती है तो दोनों फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ए डी छोटा आता है बी सी से, ए डी अगर छोटा आता है बी सी से
तो जो पहले वाला फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाएगा दूसरे वाले फ्रैक्शन से। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों फ्रैक्शन को लिखो, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उनके बीच में जो साइन आएगा वही फ्रैक्शन के बीच में साइन आएगा, जो साइन ही आएगा वही फ्रैक्शन के बीच में साइन आएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/8, 5/12। सीधा सा सिस्टम है, क्या करो, 3 × 12 36, 8 × 5, 8 × 5 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 36 और 40 के बीच में क्या साइन आएगा, 36 छोटा होता है 40 से, इसका मतलब यहाँ क्या साइन आ जाएगा, यानी 3/8 छोटा है, 5/12 बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी देख सकते हो। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर का था, तो इसका मतलब 5/12, आंसर क्या आ जाएगा, 5/12। एक तो मेथड ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो यहाँ किया। दूसरा मेथड, अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, सेम डिनोमिनेटर में ये 8 है और ये 12 है, 8 और 12 का एलसीएम, एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करते हो 8 और 12 का, तो वो आपको पता है 24 होता है, तो आप क्या करो दोनों के डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट कर दो। तो जो 3/8 था, 3/8, इसको 24 में कन्वर्ट करने के लिए 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9/24। नेक्स्ट क्या था, 5/12, डिनोमिनेटर में 12 है, 24 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 10/24। डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम। अब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, देख लो एक में 9 है एक में 10 है, 9 और 10 में से कौन सा बड़ा होता है, 10, तो इसका मतलब 10 वाला, ये वाला जो है 5/12, इसका मतलब 5/12 ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, तो 5/12 ग्रेटर देन 3/8 होगा, ऐसे कहें या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कहें, एज योर विश, दोनों में से एक मेथड आप यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज अरेंज द फ्रैक्शंस 2/3, 3/4, 7/12 एंड 11/16 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन यहां में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लिखते जाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू फ्रैक्शंस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह से कर लो, लेकिन अगर ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन है तो हम क्या कोशिश करें कि सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें, मतलब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें, और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होने के बाद जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो छोटा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा, सिंपल सा बात है। तो देखो क्या है, 3, 4, 12 और 16, तो 3, 4, 12 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो आप, 3, 4, 12 और 16 का, 3, 4, 12 और 16 एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, या आप देख रहे हो किससे कटते हैं, 2 से, क्या होगा, 3, 2, 6, 8, फिर अगेन 2 से, 2 कॉमन आ जाएगा, 3, 1, 3, 4, फिर 3 आ जाएगा, 1, 1, 1, 4, एलसीएम क्या जाएगा, 2 × 2 × 3 × 4, 2 × 2 × 3 × 4 यानी 48, एलसीएम क्या आ गया, 48। इसका मतलब जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है उन सबके डिनोमिनेटर 48 में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है ये, 2/3 है, 2/3 है, 48 में कन्वर्ट करना है तो 2/3, 3 48 में कब कन्वर्ट होगा, जब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 × 16 क्या हो जाएगा, 32, और 3 × 16 क्या हो जाएगा, 48। लो जी, एक तो हो गया 48 में कन्वर्ट डिनोमिनेटर, फिर क्या है दूसरा फ्रैक्शन, क्या 3/4, 3/4 है, इसको 48 में कन्वर्ट करना है, तो 4 × क्या 48 होता है, 4 × 12, तो इसमें इनको 12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 3 36/48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 7/12, 12 है, 48 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 7/12 है, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 28/48। लास्ट क्या है, 11/16, तो 11/16 है,
16 को 48 में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 33/48। अब आप देख रहे हो चारों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है, चारों में डिनोमिनेटर क्या है 48, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। तो अब ये न्यूमिनेटर देखो, एक क्या है 32, एक है 36, एक है 28, एक है 33। इन न्यूमिनेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, इन न्यूमिनेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। क्या होगा, सबसे छोटा 28 इज लेस देन किससे है 32 से, 32 इज लेस देन किससे है 33 से, 33 इज लेस देन किससे है 36 से। अब चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि भी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 7/12, या अगर हम चाहें तो सबके जो ये वैल्यूज हैं इन सबको जो डिनोमिनेटर सेम था 48 से डिवाइड कर दो, और अब ये 28 बाई 48 क्या है 7/12, फिर नेक्स्ट क्या है 32 बाई 48 क्या है 2/3 लिख दो, 33 बाई 48 क्या है 11/16, 36/48 क्या है 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, पहले 7/12, फिर 2/3, फिर 11/16 एंड लास्ट में 3/4। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाता लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताओ, तो ये हमारा क्या हो जाता लार्जेस्ट और अगर स्मॉलेस्ट कहा जाता तो ये क्या हो जाता स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी कहा जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जा सकता है, तो इनको आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन का कुछ खास नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं, बस उसमें ए जो है फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो होता ही है, जो न्यूमिनेटर है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, मतलब जो ए अपॉन बी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बी अपॉन बी। टू फ्रैक्शंस आर सेट टू बी रेसिप्रोकल टू अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन, ये कह लो कि उनका प्रोडक्ट वन हो, या ए अपॉन बी एक नॉन जीरो फ्रैक्शन है, नॉन जीरो फ्रैक्शन कहना जरूरी है क्योंकि ए बी क्या होना चाहिए नॉन जीरो, तो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बी अपॉन ए। ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, क्यों, क्योंकि अगर ए अपॉन बी को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए अपॉन बी को अगर बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाता है वन, बी से बी कट जाता है, ए कट जाएगा, 3/7 है 3/7, तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 7/3। न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दो। द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 इज 7/4, और 7/4 का कहोगे तो 4/7 हो जाएगा, एक ही बात है। लेकिन ये ध्यान दो, ये अगर 3/1/5 है, 3 and 1/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 and 1/5 है तो इसका क्या मतलब होता है 5 × 3 = 15, 15 + 1 = 16, यानी 3 × 5 = 15, 15 + 1 = 16, 16/5, यानी ये जो है 3 and 1/5, 3 and 1/5 क्या 16/5, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/16, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/16, या 5/16 का रेसिप्रोकल क्या कहोगे 16/5, या 16/5 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख दोगे 3 and 1/5। तो ये क्या कहलाता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड सर्कल में उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन